हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस डिज़ाइन को बनाने में लगा है क्रिम्सन रेड 04 नंबर का, एंड ये है पर्पल वाला। तो ये है माओ MAUVE 15 नंबर का, ऑरेंज 17 नंबर का, सेब ग्रीन है 21 नंबर का, एंड वाइट फ्लैट ब्रश दीजिए। एक 5 नंबर का फ्लैट ब्रश दीजिए और एक 2 नंबर का फ्लैट ब्रश दीजिए। इस तरह की पेंसिल प्लेन हेड वाली, जिससे हमने बीच में ये डॉट्स वाली डिज़ाइन को दिया है, इस ये वाला लगा है इसके अंदर। डिज़ाइन बनाने से पहले कपड़े को वॉश ज़रूर कर लें। और ये दीवान सेट वाली डिज़ाइन है, बेडशीट दीवान की, तो उसमें हमने सामने के पोर्शन में बनाया है। तो कॉर्नर से आप इस तरह से लंबे वाले पोर्शन में 3 बालिश की दूरी पर कॉर्नर का निशान लगा लें और इसे इस तरह कॉर्नर का पूरा फुल वाला डिज़ाइन को ट्रेस कर लें। पहले हम ग्रीन वाला वर्क कंप्लीट करेंगे। तो इसे 2 नंबर के ब्रश से बनाइए फ्लैट वाले। इस तरह कलर लीजिए और ब्रश को इसकी बॉटल की वॉल से इस तरह से ब्रश का कलर पूरा निकाल दीजिए। तो इसका जो ये ब्रिसल्स हैं इसे फ्लैट हो जाएंगे। फिर हम ये यहाँ पर इस तरह रख कर ये लाइनिंग को बना देंगे। अब फिर हम इसी तरह से कलर लेंगे, ये इस तरह से इसे बनाना है, यानी यहाँ रखिए आप। इस तरह इसे, ये वाली जो डिज़ाइन है इसे कंप्लीट कर लें। ब्रश को धोकर साफ करके फिर हम ये ऑरेंज वाला कंप्लीट करेंगे। तो ये भी 2 नंबर के फ्लैट ब्रश से बनाएं। इस तरह कलर लें, ज़्यादा कलर नहीं लेना इसमें। फिर ये ब्रश को हम इस तरह खड़े पोजीशन में रखेंगे और इसे इस तरह डॉट डॉट्स देकर ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह कंप्लीट करते जाएंगे और इसे ये फ्लावर का बंच वाला शेप बना देंगे। लीव्स में हमने जो लिया है तो इसी स्टाइल में हम कलर लेंगे। पहले इसकी बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे, इस तरह से बनाएं। फिर बीच में लाइन डाल लें। अब इसमें हमने यानी 2 तरफ स्ट्रोक लिए हैं। तो एक तरफ आप इस तरह जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हम स्ट्रोक लेंगे। तो ब्रश को इसी पोजीशन में रखेंगे और इस तरह से तिरछे तिरछे स्ट्रोक बनाते जाएंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लें। अब जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन में भी हमें स्ट्रोक लेना है, लेकिन इसे अपर साइड लेके जाएंगे। इस तरह बनाते जाएं। जो जाली वाला पोर्शन है उसे हल्के हाथ से इस तरह से कवर अप कर लें। इस तरह से लीव्स वाली डिज़ाइन को कंप्लीट कर। ग्रीन वर्क कंप्लीट करने के बाद में अब हम ये यहाँ पर ये फ्लावर को बनाएंगे। तो इसमें पहले इस तरह कलर ले लें, बॉर्डर को इस तरह कंप्लीट करें, फिर इसे थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दें, ब्रश को पोंछ लें। ब्रश को पोंछने के बाद में हम इसमें वाइट लेंगे। अब जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर इस तरह से मिक्स करते हुए से नीचे बढ़ाना है। पूरा नीचे साइड तक के से कंप्लीट कर लेंगे। ब्रश को बीच में बार बार पोंछना है ताकि जो लेयर है इसमें कलर अच्छे से मिक्स हो जाए।
इतना करने के बाद में अब हम ये ब्रश से ही ये वाले कलर से इस तरह से स्ट्रोक ले लेंगे। अगर ये वाइट आ जाता है इस तरह, तो इसे आप फिर से इसे मिक्स कर लें। फिर ब्रश को इस तरह खड़ा रख के हम और थोड़े डार्क वाले रेशे दे देंगे। इस तरह से बनाएं इसे। ये वाली पत्ती नोक वाली पत्ती है, थोड़ी बड़ी पत्ती है, इसमें पहले इस तरह से मिक्सिंग कर लें। थोड़ा सा कलर और ले लें। ये 5 नंबर के फ्लैट ब्रश से बनाएगी ये डिज़ाइन। फिर हम ये यहाँ पर इसे प्लेन कर देंगे और इसमें भी इस तरह से स्ट्रोक को ले लेंगे। सिंपल ब्रश को इस तरह से रखकर और इस तरह चलाना है। ये वाली डिज़ाइन को बनाने के लिए 2 नंबर के फ्लैट ब्रश में इस तरह कलर लें, इसमें भी ज़्यादा कलर नहीं लेना है, और ये यहाँ इस तरह रखेंगे हम और इसे खींचते जाएंगे। ये वाला जो सर्कल है इसे कंप्लीट कर लेंगे और बीच में हम ये वाले ब्रश के पीछे इसके हिस्से से यहाँ पर डॉट दे देंगे। ये वाला शेड बनाने के लिए हम इसमें वाइट और रेड का शेड लेंगे। तो इसमें पहले आप पत्ती में पूरा इस तरह से ब्रश से कलर को फिल कर लें। इस तरह वाइट कलर फिल करने के बाद में ब्रश में थोड़ा सा रेड लेंगे हम और इसे इसके बॉर्डर पर इस तरह से करते हुए सब पत्तियों में पहले इस तरह लगा देंगे। तो इसमें आप पहले ऊपर वाली लेयर को कंप्लीट करें, फिर ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन। इस तरह करने के बाद में हम ब्रश को पोंछ कर अब इसे मिक्सिंग कर लेंगे। इस तरह मिक्सिंग कर लें, थोड़ा सा ड्राई होने दें। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद में हम फिर इसमें रेड लेंगे ब्रश में और इसे इस तरह से पूरी अच्छे से आउटलाइन करते हुए जाएंगे। आउटलाइन करने के बाद में ब्रश को इस पोजीशन में रखकर इसमें इस तरह से हल्के से स्ट्रोक ले लें। अब ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो हम ये इस तरह ब्रश को खड़ा रख के अब थोड़े मोटे वाले स्ट्रोक ले लेंगे। नोक वाली पत्ती की भी आउटलाइन करने के बाद में इसमें हम इस तरह से तिरछे वाले स्ट्रोक लेंगे, यानी इसकी बॉर्डर पे ब्रश को इस तरह फ्लैट रख के। अगर ये हमें यहाँ हल्का दिख रहा है थोड़ा, तो हम डबल से और इसकी आउटलाइन को ले सकते हैं। फिर इसे इस तरह से थोड़ा सा बराबर कर लें। फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद में 2 नंबर के ब्रश में इस तरह हम कलर लेंगे फ्लैट ब्रश में। अब ब्रश को इस तरह खड़ा रखकर ये वाले पोर्शन में इस तरह हम चलाते जाएंगे।
एक लेयर कंप्लीट करने के बाद में हम सेकंड लेयर और बनाएंगे, तो इसमें भी इस तरह कलर लेकर इसी से टच करके इस तरह बनाते जाए और इस सर्कल को कंप्लीट कर लें। इस तरह डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद में ये वाला सर्कल कंप्लीट कर लें। बाद में पूरी बेडशीट में बीच में हम इस तरह से डिज़ाइन को बनाएंगे, तो ये भी फ्लैट ब्रश से बनाई गई है। ये इस तरह हमने ले लिया और यहाँ पर डॉट्स दे दिए, तो ये आप इस तरह एक एक बारिश की दूरी पर पूरे बेडशीट में निशान लगा लें। इसके क्रॉस में यहाँ पर निशान लगाएं। इस तरह पहले एक लाइन कंप्लीट करें फिर दूसरी लाइन कंप्लीट करें। इस तरह से ये डिज़ाइन को बनाएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।